दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उस सबसे बड़े जानवर के बारे में बात करेंगे जो जंगल का राजा तो नहीं फिर भी पूरे जंगल पे राज करता है, जिसके साथ मुकाबला करना शायद ही किसी जानवर के बस में हो। दोस्तों, उस जानवर का नाम हाथी है, जिनकी दो प्रजाति पाई जाती है, एक एशियन एलिफेंट और दूसरा अफ्रीकन एलिफेंट। वैसे तो इन दोनों हाथी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत शायद ही किसी जानवर में होगी, पर क्या होगा जब ये दोनों ही हाथी आपस में लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर ले। दोस्तों, एशियाई हाथी एशिया में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इनके पूरे तरह से विकसित होने के बाद एक नर हाथी की लंबाई लगभग 2.75 मीटर होती है और इनका वजन लगभग 2 से 5 टन तक हो सकता है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए 13 रेंज के देशों में सूखे से गीले जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। एशियाई हाथी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाहौस सहित भारत के पूरे जंगलों और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। लगभग एशिया के एक तिहाई हाथी कैद में है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा इन्हें खतरे में डाला गया है। एशियाई हाथी जड़, घास, फल और छाल खाते हैं। एक व्यस्त हाथी एक दिन में 300 पाउंड तक खाना खा सकता है। ये दूसरे जानवरों की तुलना में काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी हाथी इस दुनिया में सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर है और इनका वजन लगभग 2 से 7 टन तक होता है। ये अपने एशियाई हाथी की प्रजाति की तुलना में बड़े होते हैं और इनके कान इनकी पहचान होती है। ये झुंड में रहते हैं। अफ्रीकी हाथी का झुंड अफ्रीका के 37 देशों में घूमते हैं। एक अफ्रीकन एलिफेंट की लंबाई लगभग 3.2 मीटर होती है। अफ्रीकी हाथियों के कान 6 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा ताकतवर और गुस्सेल होते हैं। IUCN द्वारा अफ्रीकी हाथी को रेड लिस्ट किया गया है। आज अफ्रीकी हाथी विलुप्ति के कगार पे है। दोस्तों, अगर इन दोनों जानवरों के बीच में कभी भी फाइट या लड़ाई होती है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अफ्रीकन एलिफेंट ही जीतेगा, क्योंकि ये एशियन एलिफेंट की तुलना में लंबे, ताकतवर और भारी होते हैं, जिसकी वजह से एशियन एलिफेंट के लिए अफ्रीकन एलिफेंट का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।